इमरजेंसी बोलकर नहीं आती है। हृदय घात हो या ब्रेन स्ट्रोक, पेट में किसी प्रकार का अचानक हुआ बेतरतीब दर्द हो या सड़क दुर्घटना, सर्पदंत हो या गोली चाकू से घायल मरीज, हर मामले में मरीज का शुरू के कुछ घंटे स्वर्णिम काल होते हैं। उस स्वर्णिम काल में मरीज को मिलने वाली चिकित्सीय सहायता ही मरीज के बचने के अवसरों को प्रभावित करती है। इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऐसे परिस्थितियों को स्वर्णिम अवसर में बदलने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, जिससे मरीजों की जान बच सके। बिहार में पहली बार अपने तरह का पहला इमरजेंसी ट्रामा व क्रिटिकल इमरजेंसी के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती अस्पताल में साल के 365 दिन 24 घंटे मौजूद रहेगी। कदम है और ये एक डायनेमिक यंग टीम ने शुरू किया है और उनकी एक यही उद्देश्य है कि इस स्टेट में बिहार में पेशेंट्स को पूरी तरह से क्वालिटी केयर जो एम्स दिल्ली में मिलता है उसी टाइप का मिले, बिल्कुल कम खर्चा हो और चाहे ट्रॉमा हो, चाहे इमरजेंसी हो, चाहे रूटीन केयर हो, वो 24 घंटे 24/7 इस अस्पताल में मिले। और वही डॉक्टर प्रभात का सपना था, वो चाहते थे कि बिहार से कोई पेशेंट बाहर ना जाए, यहीं पे उसका पूरी तरह से हाई क्वालिटी इलाज हो, और उसी उद्देश्य को लेके ये अस्पताल बना है। और मैं उनको इन सारी टीम को शुभकामनाएँ भी देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि हम सब उनके साथ हैं कि ये हॉस्पिटल और भी आगे बढ़े, नई मुकाम जो है इस हॉस्पिटल को मिले। थैंक यू। प्रोफेसर गुलेरिया साहब ने कहा, हम लोगों को यहाँ इस का अवसर मिला है इस अस्पताल की शुरुआत से देखने का। मैं कल शाम को भी यहाँ आया था, पूरा हॉस्पिटल देखा। आप इतने कम समय में सारी सुविधाएं बनाना, जिसमें आईसीयू भी है, जिसमें कोरोनरी केयर हृदय से संबंधित लोगों के लिए भी व्यवस्था है, चोट सिर में चोट लगती है, हेड इंजरी जिसे बोलते हैं, ब्रेन इंजरी, उसके लिए भी सुविधा है, डायलिसिस का प्रबंध है यहाँ पे, और 3 ऑपरेशन थिएटर हैं जो काम करना शुरू कर दिए हैं। और इसमें कुछ मुश्किल ऑपरेशन अभी ऑलरेडी हो गए हैं, ये भी डॉक्टर अभिनव जो हमारे एम्स से ही ट्रॉमा में स्पेशल ट्रेनिंग लेके आए हैं, MCH करके आए हैं। इमरजेंसी मेडिसिन जो आज बहुत आवश्यक हो गया हमारे देश के लिए और हर अस्पताल के लिए, कि हमें इमरजेंसी में जो ट्रेंड, जिनकी प्रशिक्षण हुआ है, वो लोग इमरजेंसी को नियंत्रित करें और उससे पेशेंट्स के जो आउटकम है, पेशेंट्स का जो अच्छे होने की अनुपात है वो बढ़ता है। तो इसमें डॉक्टर सतीश और उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे प्रोफेसर गुलेरिया साहब ने कहा कि ये ऊर्जावान युवा टीम है, और हम इन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जो इन लोगों ने ये चुनौती स्वीकार की है, ये अपने में मुझे बहुत इसने प्रेरणा दी है। और मैं फिर से इन लोगों को बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं, हम लोगों का पूरा आशीर्वाद है, आगे भी जब कभी भी इनको कोई भी आवश्यकता होगी, हम लोग जो भी इसमें अपना इनपुट डाल सकते हैं, प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल के लिए जो डॉक्टर प्रभात की याद में ये बनाया है, उनकी पत्नी अभी हम लोग मिले हैं तो शुभ्रा जी से भी, और उनके फादर से भी मैं मिला हूँ, और उन लोगों ने बहुत भावनात्मक तौर पे इसको बनाया है, इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, उसको चलाने का दायित्व अब इन लोगों के ऊपर है। और ये हमें कोई संदेह नहीं है कि बहुत अच्छा आगे चल के एक उदाहरण बनेगा बिहार में। द एसडी न्यूज के लिए पटना से आलोक कुमार की रिपोर्ट।